इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। दिलकश पहाड़ियों और शांत वातावरण के साथ साथ देहरादून अपने सैन्य संस्थानों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है, जिसमें नेपाल के गोरखा समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी छाप स्थानीय जनसंख्या या यहाँ तैनात हुई रेजिमेंट के अलावा एक ऐसे स्मारक में भी देखी जा सकती है जो उनकी वीरता और बलिदान की एक अनूठी निशानी है। देहरादून के नालापानी क्षेत्र में खलंगा युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, जो दो अलग अलग जगहों में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि शायद पूरे युद्ध इतिहास में ये पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण एक सेना ने अपने सैनिकों की याद के साथ साथ अपने शत्रु सैनिकों के सम्मान में भी किया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार हो रहा था, उस दौरान नेपाल का शाह साम्राज्य कांगड़ा से लेकर दार्जिलिंग तक फैल गया था। उत्तर भारत में सिखों के साथ साथ अब गुरखाओं का सैन्य शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आना अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बन चुका था। जब अंग्रेज अवध पर अपना शिकंजा कस ही रहे थे, तब उसके पड़ोसी राज्य नेपाल के राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह ने मौके का फायदा उठाकर सन 1812 में तराई इलाके पर कब्जा किया, जिस पर अंग्रेजों की पहले से नजर थी। वहीं भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स हिमालयी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और नेपाल के रास्ते चीन में भारतीय माल को पहुंचाने की फिराक में थे। इन्हीं वजहों से अंग्रेजों ने नेपाल के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी फौजी टुकड़ियां लुधियाना, मेरठ, वाराणसी और दीनापुर से रवाना की। सन 1814 से लेकर सन 1816 तक लड़े गए अंग्रेज गोरखा युद्ध के तहत पहली जंग देहरादून में लड़ी गई, जिसमें 3,500 अंग्रेज सैनिकों की कमान मेरठ के मेजर जनरल गिलेस्पी के हाथों में थी। उनका मकसद नालापानी किले पर चढ़ाई करना था। नालापानी एक पहाड़ी के शिखर पर घने जंगलों से घिरा किला हुआ करता था, जिसकी कमान मशहूर गोरखा सैनिक बलभद्र कुंवर के पास थी। इसके निचले क्षेत्र में खलंगा नाम का छोटा सा कस्बा हुआ करता था। 1 नवंबर सन 1814 को अंग्रेजों ने दून घाटी पर कदम रखा और फिर आने वाले दिनों में नालापानी पर अंग्रेजों ने 4 चरणों में हमले किए, जिनका सिलसिला पूरे नवंबर के महीने में जारी रहा। अपनी फौज में जवानों की तादाद कम होने के बावजूद गुरखाओं ने अपना संघर्ष कायम रखा। दिलचस्प बात यह थी कि गुरखा सिपाहियों के साथ साथ उनके परिजनों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपने मशहूर हथियार खुकरी के साथ साथ तीर धनुष और यहां तक कि पत्थरों और कंकड़ों से भी हमले किए थे। इस युद्ध में गिलेस्पी समेत 32 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे और 200 से अधिक सिपाही घायल हुए थे। वहीं दूसरी ओर गुरखाओं के संघर्ष में ढील तब आई जब अंग्रेजों ने उनके जल भंडार पर हमला किया और उनकी तोपों ने किले को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें कई गुरखाओं ने वीरगति प्राप्त की। बलभद्र और उनके सिपाहियों को मजबूरन किला छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के नाहन का रुख किया और अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। बाद में जो युद्ध हुए उनमें अंग्रेजों की जीत हुई। फिर सन 1816 की सुगौली संधि के तहत देहरादून, शिमला और दार्जिलिंग समेत कई इलाके अंग्रेजों को मिल गए। नालापानी युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बावजूद गुरखाओं की बहादुरी का सम्मान करते हुए अंग्रेजों ने गुरखाओं के ध्वस्त किले की जगह पर उनके लिए एक स्मारक बनवाया। साथ ही अंग्रेजों ने गिलेस्पी और उसकी पलटन की याद में भी एक खलंगा युद्ध स्मारक बनवाया, जो आज भी सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यहां पर भी बलभद्र की बहादुरी का जिक्र किया गया है। दोनों स्मारक अब बलभद्र खलंगा विकास समिति और भारतीय पुरातत्व विभाग की साझा देखरेख में हैं। इन स्मारक पर आज भी लोग बहादुर गुरखाओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं। हर साल यहां एक मेला भी लगता है, जिसमें आयोजित कार्यक्रमों में गुरखाओं के शानदार इतिहास और संस्कृति की झलक देखी जा सकती है।